तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जैसलमेर से, जहां पर थलसेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे हैं दौरे पर जैसलमेर के। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जैसलमेर में पहुंचे हैं, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे हैं आर्मी चीफ। भारतीय सेना का दमखम देखने पहुंचे हैं आर्मी चीफ। सेना की आर्टिलरी कोर का उन्होंने जायजा लिया है, सेना के प्रमुख दस्तों की तैयारियों को देखा है, सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। सेना दृष्टि के महत्वपूर्ण से सेना प्रमुख का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शंकर दान जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ खास इस दौरे में थल सेना अध्यक्ष? उसमें जिस तरीके से थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जैसलमेर पहुंचे हैं, वो फील्ड फायरिंग रेंज जो कि सबसे बड़ी रेंज है जहां पर आर्मी चीफ खुद पहुंचे हैं, कई अधिकारी साथ में, उन्होंने भारतीय सेना के जो M777 अल्ट्रा है, हेवेंजर है, बोफोर्स आदि अन्य जो आधुनिक हथियारों का वहां पर जो अभ्यास चला उसको तकनीकी देखा और अन्य जो आसपास की गतिविधियों को भी जाना गया। और विशेष करके सेना की जो छावनी है जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में अधिकारियों के साथ में जायजा लिया और आने वाले समय में तकनीकी संसाधनों के साथ में जो महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा उसके बारे में भी जानकारी ली गई। और जिस तरीके से आर्मी चीफ का जैसलमेर का ये दो दिवसीय दौरा एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान में जैसलमेर जैसी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत पूरी की जो सेना के महत्वपूर्ण आधुनिक हथियार होते हैं यहाँ पर इसका युद्धाभ्यास होता है। और जब आर्मी चीफ इस बार जैसलमेर पहुंचे और उन्होंने जब बारीकी से इनको देखा है तो बिल्कुल इस तरीके से आने वाले समय में कुछ और भी बदलाव किए जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसलमेर में पहुंचे हुए हैं थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का उन्होंने दौरा किया है। आर्मी चीफ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त